इस तरह की टॉपिक से आपका क्वेश्चंस हमेशा बनते रहे हैं, याद रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर आप लोग प्रीलिम्स से और मेंस के उठा के देख लीजिए आप लोग, क्योंकि जो भी टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है उसी से क्वेश्चंस पूछने की संभावना पूरी रहती है। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि इतने देश हैं, सबको सबके बारे में जानकारी याद रखना संभव नहीं है। ये बात आपके लिए ऊपर फॉलो नहीं होती है, ये सबके लिए बराबर है। किसी कोई भी व्यक्ति सभी देशों के बारे में संपूर्ण जानकारी याद नहीं रख सकता है। तो एक स्मार्ट गिरी यही होती है कि आप लोग जो भी चर्चा में देश है उसके बारे में आप लोग उसकी सीमाएं कितने देशों से लग रही हैं, क्या हो रहा है वहाँ, उस सब के बारे में जानकारी याद रख लेना चाहिए आपको। तो आपने अभी देखा है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, उसके बाद आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए ये है आपका नया मैप है, आपका इंडिया का नया मैप है, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा आपको ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ विधानसभा नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। दिल्ली की तरह इसमें आपकी विधानसभा होगी और याद रखिए चुनाव के बाद मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति रहेगी और 2021 के बाद इसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने आ जाएगी। चलिए इस आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत हिरासत से रिहा कर दिया है। कब? हाल में ही। आपने देखा जम्मू कश्मीर राज्य की संविधानिक स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 में परिवर्तन किए गए और इस समय राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला जैसे कई नेताओं को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निवारक निरोध में रखा गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि कई ऐसे ऐसे कई अधिनियम भी थे, कानून भी थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन आपको अब एक बात हमेशा याद रखनी है कि अब वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो देश के अन्य राज्यों में लागू होते हैं। अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपकी 5 साल की वहां भी विधानसभा होगी, राज्यपाल साहब भी होंगे, ठीक। जम्मू और कश्मीर की सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम क्या है आखिर? जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 मूलतः एक निवारक निरोध विधि है। परिभाषा के अनुसार निवारक निरोध का अर्थ निवारक होना, ना कि दंडात्मक अर्थात या किसी कृत्य को करने से रोकने के लिए स्थापित यंत्र है, ना कि किए गए कृत्य पर दंड देने का। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको मालूम है कि कोई चोरी करने जा रहा है तो एक होता है कि चोरी के बाद उसे दंड दिया जाए, एक होता है कि चोरी करने से रोक दिया जाए, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एक तरह से यही बात है। जो किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा पूर्वाग्रह से मुक्त करने के लिए उसे या उसे कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि ये नेता सभी कहते रहते थे कि 370 हटा तो ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, आप लोग इनकी भाषण भी सुनते रहते थे, इसीलिए इन लोगों को नजरबंद किया गया था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के समान है जिसका उपयोग निरोधात्मक निरोध के लिए नए के लिए अन्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यह संभागीय आयुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश द्वारा लागू होता है। इस अधिनियम में 2015 में नए नियमों को अधिसूचित भी किया गया था जिसमें संभागीय आयुक्त के कुछ अधिकारों को गृह विभाग को सौंप दिया गया था, होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 370 में परिवर्तन के उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तन किया। इस अधिनियम के अंतर्गत निरोधित किए गए जम्मू कश्मीर के निवासियों को जेल में बंद करने के लिए प्रतिबंधित एक धारा को हटा दिया गया। यह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर PSA सलाहकार बोर्ड नियुक्त के मापदंड को परिवर्तित किया गया। यह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी बोर्ड का हिस्सा बनाने के से रोक सकता है और डी टेनस की रिहाई में बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आदेश निरोध के स्थान और स्थितियों को विनियमित करने की शक्ति के खंड का निरसन भी करता है। देखिए जबकि अंत में सरकार आपकी अच्छे बहुमत से है तो आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम भी रहते हैं। 370 हटने से पहले आपने देखा है कि स्थिति वहां बनाई गई, आपने देखा है कि वहां जो भी विधानसभा थी वो भंग कर दी गई एक तरह से, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति शासन एक तरह से लगा, राज्यपाल शासन लगा दिया गया है। राज्यपाल शासन रहा ना, आपने कुछ दिन देखा
उसके बाद हटाया गया, क्योंकि अगर विधानसभा सत्तमय होती, आप सोचिए चल रही होती, तो उसकी सहमति एक तरह से जरूरी थी, इसलिए इस तरह की पूरी एक तरह से पूरी रणनीति बनाई है। यह लोकतंत्र विरोधी क्यों है आखिर, ये जो सार्वजनिक आपका हिरासत में लेने का जो अधिनियम है, ये आखिर क्यों पीएसए लोकतंत्र विरोधी क्यों माना जाता है इसे? पीएसए आवश्यक औपचारिकताओं परीक्षण के बिना किसी व्यक्ति को निरोधित करने की अनुमति देता है। एक तरह से आप सोचिए कि इसे इसके तहत आप किसी भी को रख सकते हैं, चाहे वो किसी गलत काम करने के लिए जा रहा हो या ना जा रहा हो, आप चाहे तो किसी को भी रख सकते हैं। इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है को निरोधित कर सकता है। इसमें नजरबंदी 2 साल तक की हो सकती है। सीधा सा कहने का मतलब है कि आला कानून आपने सुना होगा, 1919 के पास अंग्रेजों ने लाया था कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे कहीं आपको पेश नहीं करना होगा। तो एक तरह से आप सोचिए कि मनमानी तरीका, इसीलिए इसे लोकतंत्र का विरोधी भी माना जाता है। इसमें प्राथमिक न्याय के मूल सिद्धांतों का भी पालन नहीं होता है। यथा पीएससी के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है, तथा उस व्यक्ति के पास आपराधिक अदालत के समक्ष जमानत आवेदन को स्थानांतरित करने का अधिकार भी नहीं है, और हिरासत में आने वाले प्राधिकारी के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील संलग्न नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करने और पीएसए को समाप्त करने के लिए अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार छित है। इस निवारक निरोधात्मक आदेश को चुनौती देने का एकमात्र तरीका हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से हो सकता है। इस प्रकार यह अधिनियम संविधान में वर्णित मूल अधिकार प्राथमिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। याद रखिए पीएसए अधिनियम है जो एक तरह से पूरी तरह से आपके जो भी अधिकार है उन्हें खत्म कर देता है, आपकी आजादी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, एक तरह से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है इस तरह का। समझ रहे हैं आप लोग? यह अधिनियम क्यों प्रभाव में है? भारत अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है, जहां क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद जैसे विखंडनकारी अवयव उपलब्ध हैं, जो अपने हितों की पूर्ति हेतु राष्ट्र का अहित कर देते हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए निवारक निरोध के सिद्धांत की आवश्यकता है। इसके साथ भारत को सीमा पारी आतंकी गतिविधियों का भी शिकार होना पड़ता है। कई बार ये आतंकी आंतरिक अशांति का लाभ उठाते हैं, अतः इन गतिविधियों को रोकने के लिए भी इस प्रकार के कानून की आवश्यकता होती है। आप दक्षिण भारत में देखिए, कई कई बार आपको पूर्वी भारत में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती हैं, उस समय पंजाब में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो उन पर पाबंदी लगाने के लिए एक तरह से ऐसा अधिनियम को लाया गया था। निवारक निरोध की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में ये कह सकता हूं कि निवारक निरोध संबंधी अवधारणाएं निश्चित ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, परंतु राष्ट्र के हित तथा सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि हम भारत की स्थिति का अवलोकन करें तो यह कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक आवश्यक बुराई है। आप लोगों ने देखा होगा कि 370 हटने के पहले इन्होंने कई तरह के भाषण भी दिए हैं, इसलिए भी जरूरी हो गया था ये आपका कानून लागू करना, इसलिए भी जरूरी है कि जब आप खुले चुनौती दे रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस काम को कर दें, उस काम को करने से आपको रोकना होगा, तो इस तरह के नियम अधिनियम लागू किए जाते हैं, इनकी गिरफ्तारी हिरासत में रखा जाता है। तो ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर 2 और 3 राज्य व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। आप लोग पढ़ते भी तो हैं राज्य व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आर्टिकल चर्चा में रहते हैं उन पर काफी जोर देकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया करिएगा। आजकल वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो चर्चा में बने रहते हैं हमेशा। ठीक है,